जरा सोचो, एक कमजोर सा लड़का जिसे कोई भी पीट पाट कर चला जाए, वो मेहनत कर दुनिया का सबसे बड़ा कुंफू फाइटर बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। जोई जापान में रहने वाला एक कोरियन लड़का है जो एक फाइटर प्लेन का पायलट बनना चाहता था, इसीलिए उसने जापान की एयरफोर्स में शामिल होने का फैसला किया। एक दिन वो अपने दोस्त शुनबे के साथ एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप के लिए रवाना हो गया। वो ट्रेनिंग फोर्स में चले तो गए, लेकिन जापानियों ने उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हुए सभी कोरियंस को रस्सी से बांध कर उन पर बहुत अत्याचार किए। तभी वहाँ का कमांडर केटो आया और उसने कहा कि सभी कोरियंस की रस्सियाँ खोल दी जाए। जैसे ही वो आजाद हुए, उनमें से एक ने केटो को गालियाँ देनी शुरू कर दी। ये सुनते ही केटो ने चोई को मुकाबला करने की चुनौती दी, अगर चोई जीत गया तो सारे कोरियंस आजाद कर दिए जाएंगे। इसके बाद चोई और केटो की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें चोई ने एक कोरियन फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन केटो ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार देता, उनके अड्डों पर अमेरिकन लड़ाकू विमानों ने हमला दिया और मौका देखकर सारे कोरियन अपनी जान बचाकर भाग निकले। इसके बाद चोई ने टोकियो में चुनबे की छोटी सी दुकान पे हाथ बटाना शुरू कर दिया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो याकुजा नाम का गैंगस्टर और उसका आदमी चुनबे की दुकान पर आकर हफ्ता मांगने लगे, लेकिन चुनबे ने हीरो बनकर साफ मना कर दिया कि मैं कोई हफ्ता वफ्ता नहीं देगा। अपनी इस हरकत के लिए उसे अच्छा खासा खर्चा पानी भी मिला। उसे पिटता देखकर चोई ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। उसने सारे गुंडों का मुकाबला अकेले किया, लेकिन अचानक से याकुजा ने उसके गर्दन पर तलवार रख दी। वो इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट ही गीली कर दी। याकुजा ने जबरदस्ती उसे अपना ही पेशाब चाटने को कहा। भरे बाजार में उसकी बहुत बेइज्जती की गई और आसपास सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। पैंट गीली हो गई ना मुतेड़ी, और सब अजीबोगरीब तरीके से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद भीड़ में से एक बुमसो नाम का आदमी चोई के पास आया और उसे जमीन से उठाया। उसने सभी बदमाशों का मुकाबला किया और एक एक करके सबको चित कर दिया। चोई दूर से छिपकर ये सब देख रहा था और अपने गैंग को हारता दे यासुका वहाँ से मुंह चुरा कर भाग गया। बाद में हमें पता चला कि बुनजो भी एक मार्शल आर्ट का खिलाड़ी है, वो भी चोई की तरह कोरिया से था। फिर वो चोई और चुनबे को एक सर्कस में ले गया, जहाँ काफी कोरियन लोग साथ में काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। वहाँ सभी बुनजो की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वही सबके खाने पीने का इंतजाम करता था। वो तो कोरियन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की भी कोशिश कर रहा था। तभी चोई ने बुनजो से उसे लड़ना सिखाने का गुजारिश किया, लेकिन बुनजो ने ये कहकर मना कर दिया कि ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, इस सब के बारे में मत सोच। लेकिन चोई भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो बुनजो को मनाने के लिए तेज बारिश में उसके घर के बाहर जाकर बैठ गया। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया गया कि असल में बचपन में चोई बुनजो से ही मार्शल आर्ट सीखता था, लेकिन कुछ मजबूरियों के वजह से बुनजो को अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा। रात से सुबह हो गई थी, लेकिन चोई अभी उसके घर के बाहर बैठा था। उसने मन बना लिया था कि अगर वो लड़ना सीखेगा तो सिर्फ बुनजो से ही। उसकी लगन देखकर बुनजो भी पिघल गया और उसे सिखाने के लिए राजी हो गया। उसने चोई को मार्शल आर्ट्स के कपड़े और एक खिताब दी। फिर उसने कहा कि बिना न्याय के ताकत होने से चारों ओर दहशत मच जाती है, इसीलिए इस कला का इस्तेमाल सिर्फ खुद को और दूसरों को बचाने के लिए किया जाना चाहिए। जल्द ही चोई बुनजो के ग्रुप में शामिल हो गया और उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अपने खाली समय में वो बुनजो से मार्शल आर्ट सीखा करता। एक दिन चोई ने देखा कि कुछ अमेरिकन पुलिस वाले जापानी औरत को छेड़ रहे थे। चुनबे ने उनसे कहा भी कि इनसे दूर रहे और चुपचाप घर चले, लेकिन चोई ने सीधा जाकर उन पर हमला कर दिया और उस औरत की इज्जत बचाई। इसके बाद वो कुछ ही समय में बहादुर शेर नाम से मशहूर हो गया, जो जापानी औरतों को पुलिस वालों से बचाता था। ये बहादुर शेर की सिर्फ औरतों का मदद करने वाला चीज पसंद नहीं आई मुझे। इस दौरान उसकी दोस्ती योको नाम की एक लड़की से हो गई, जिसे उसने बचाया था। बहादुर शेर नहीं, भूखा भेड़िया है ये। कुछ दिन बाद याकुजा के आदमी सर्कस में घुस आए और उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए बुनजो को ढूंढने लगे। जल्द ही बुनजो बाहर आया और उसने अकेले ही बदमाशों का सामना किया, लेकिन जल्द ही वो सब उस पर हावी हो गए और याकुजा ने मौका देखकर उसका खून कर दिया। जब चोई और चुनबे वहाँ पहुँचे तो बुनजो को मरा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। अगले दिन चोई ने अपने गुरु के मौत का बदला लेने का कसम खा लिया। वो अकेला ही याकुजा के अड्डे की ओर चल पड़ा और बाकी कोरियन लोग भी हथियार लेकर उसके पीछे हो लिए। उधर याकुजा के आदमी भी पूरी तरह तैयार थे, क्योंकि ये जानते थे कि वो लोग बदला लेने जरूर आएंगे। इसके बाद दोनों गुटों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जल्द ही एक कोरियन आदमी ने याकुजा को मार डाला। उधर से पुलिस भी आ पहुंची और उन्होंने बहुत मुश्किल से दोनों गुटों की लड़ाई रुकवाई। इसके बाद चोई ने अपना सारा सामान बांध लिया और उसने संन्यास लेकर एकांत में जिंदगी बिताने का फैसला किया। उसे इस बात का पछतावा था कि वो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाया। तभी योको वहाँ आ गई और उसे जाने से रोकने लगी, लेकिन चोई किसी की बात ना सुनते हुए वहाँ से चला गया। पहाड़ों में जाकर उसने बहुत जोरों शोरों से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो दिन रात कड़ाके की ठंड में भी प्रैक्टिस करता रहता।
उसने अपनी ट्रेनिंग के लिए चीजें बनाई और अपने गुरु की दी किताब से सीखने की कोशिश की। शुरुआत में तो उसे इतने ठंडे इलाके में रहने के लिए बहुत मुश्किल आई, लेकिन वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद उसका शरीर वैसा ही ढल गया। धीरे धीरे वो इतना ताकतवर हो गया कि अपने एक ही वार से पत्थर तक तोड़ देता। वो हर समय अपने शरीर को बहुत ताकतवर बनाने में लगा रहता। कई महीनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद उसे भरोसा हो गया कि उसके गुरु की दी हुई किताब से उसने सब कुछ सीख लिया है। फिर वो पहाड़ों से वापस शहर में आ गया और जापान के बेहतरीन फाइटर्स को चुनौती देने लगा। सबसे पहले वो नीजो डोजो नाम के एक कराटे स्कूल में गया। अपने फटे पुराने कपड़ों में वो अंदर घुसा और डोजो के लीडर को मुकाबले के लिए ललकारा। लीडर उसका हुलिया देखकर उस पर हंसने लगा और उसे लड़ने के लिए अपने एक फाइटर को भेज दिया। चोई ने एक एक करके एक ही झटके में 10 फाइटर को पटक दिया। आखिरकार उस डोजो के लीडर को भी हरा कर वो सारे अखबारों में छा गया। जब पूरे जापान में चोई के बहादुरी के चर्चे होने लगे तो ये खबर केटो तक भी पहुँच गई। केटो अब जापान के कराटे एसोसिएशन का हेड था। कोरिया से आए एक लड़के को बड़े बड़े जापानी फाइटर्स हराता देख वो परेशान हो गया। उधर चोई एक के बाद एक नामी फाइटर्स को लगातार हराते जा रहा था। उसने हर तरह के फाइटर्स को हरा दिया, फिर चाहे वो कोई भी मार्शल आर्ट्स क्यों ना करते हो। अपनी काबिलियत के वजह से वो पूरे जापान में मशहूर हो गया था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने प्यार योको से हुई। उसकी मशहूरी से जलने वाले कीटो ने ये खबर फैला दी कि दरअसल वो चीटिंग करके जीतने वाला एक ठग है। इसके साथ साथ उसने अपने एक आदमी को चोई को मारने के लिए भेज दिया। उस हत्यारे ने चोई को भरे बाजार में देखा और मौका पाकर उसके पेट में चाकू घोंप दिया। खुशकिस्मती से चोई की जान बच गई और उसकी देखभाल का जिम्मा योको ने लिया, जो उसका पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन चोई को चुनबे का फोन आया और उससे मिलकर उसे पता चला कि कोई उसे मारने का प्लान बना रहा है और अगर उसने कीटो का मुकाबला नहीं किया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चुनबे के घर से निकलकर उसका सामना उस हथियारे से हुआ जो उसे मारने आया था। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और चोई ने उसका काम तमाम कर दिया। जब चोई को इस बात का पता चला कि उस हथियारे की एक बीवी और बच्चा है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो उनके पास माफी मांगने गया और कहा कि पूरी जिंदगी उन्हें पालने की जिम्मेदारी वो लेगा। चोई ने अपने मास्टर के दिए हुए कपड़े को भी उसकी बीवी को सौंप दिए और कहा कि आज के बाद वो किसी से नहीं लड़ेगा। हालांकि हत्यारे की पत्नी ने चोई को माफ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी दिन रात उनके घर के बाहर बैठा रहता। आखिरकार एक दिन वो मान गई जब चोई उसके बेटे को पहाड़ के ऊपर चढ़ाकर वहां का नजारा दिखाकर लाया। इसके बाद उसने चोई को कपड़े वापस देकर कहा कि लोगों के भले के लिए लड़े। इसके बाद चोई को केटो की चुनौती के बारे में पता चला और वो चुनौती स्वीकार कर अकेला ही उससे लड़ने निकल पड़ा। जल्द ही वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां केटो और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। पहले चोई ने केटो के बदमाशों का सामना किया और बड़ी आसानी से उन्हें चित कर दिया। इसके बाद केटो से उसकी लड़ाई शुरू हो गई। केटो को लगता था कि उससे बेहतर फाइटर कोई भी नहीं है और वो बड़ी आसानी से चोई को हरा देगा, लेकिन ये सिर्फ उसके मन का वहम था क्योंकि चोई के लड़ने का तरीका इतना अनोखा था कि केटो के लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। चोई ने केटो पर बहुत सारे वार किए जिससे केटो जमीन पर गिर गया। हालांकि केटो ने फिर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन चोई की ताकतवर हमलों से उसके पैर की हड्डी ही टूट गई। इसके बाद केटो अपने घुटनों पर आ गया। उसकी यह हालत देखकर चोई को उस पर दया आ गई और उसने दूर से ही अपना पंच रोक लिया। आखिरकार केटो ने हार मान ली और अपने आदमियों के साथ चोई के सामने सर झुकाया। मुकाबला खत्म होने के बाद भी चोई ने एक जंगली भैंस का सामना किया और उसका सर पकड़कर उसके सींग तोड़ डाले। ये एक जबरदस्त योद्धा की सच्ची कहानी है जिसने हजारों फाइटर्स को हरा कर क्योकुशिन नाम का एक नया कराटे स्टाइल बनाया था। और ऐसी ये मूवी यहाँ खत्म हो गई। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।